आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड बीजेपी। दून में आज होगी भाजपा की अहम बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सभी पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे और सभी मंत्री, सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो देहरादून में आज बीजेपी की अहम बैठक है। लोकसभा चुनावों को लेकर ये तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और भाजपा की इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और साथ ही बैठक में आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सभी पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहने वाले हैं बैठक में। सभी मंत्री, सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनावों को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से आखिर प्रदेश की जो रणनीति है वो लोकसभा चुनावों में होने वाली है, क्या तैयारियों को लेकर आगे कदम उठाए जाए। बेहद अहम बैठक लोकसभा चुनावों के लिए, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। साथ ही तमाम पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं इस बैठक में। वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे और इसके साथ ही तमाम कैबिनेट मंत्री और सांसद भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है ये बैठक जो कि आज देहरादून में होने वाली है। तो लोकसभा चुनाव जो कि अब ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, उनको लेकर तैयारियों को लेकर क्या रोड मैप तैयार किया जाएगा, किस तरीके से बीजेपी प्रदेश में आगे बढ़ेगी और किस रणनीति के साथ जनता के बीच में उतरेगी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिससे कि जनता बीजेपी को वोट दे, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। धनराज, आपसे जानना चाहूंगी, आज बैठक होनी है जो कि लोकसभा चुनावों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बीजेपी की बैठक, क्या कुछ जानकारी, कितने बजे से शुरू होगी और कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर अभी से ही बीजेपी कहीं ना कहीं से मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज एक बड़ी बैठक, अहम बैठक राजधानी देहरादून में होने जा रही है और जिसमें सभी सांसद और सभी विधायक मौजूद रहेंगे और उसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और देखिएगा कि जो बैठक है वो सीधे सीधे लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है। एक प्लान तैयार किया जाएगा, रोड मैप तैयार किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से जनता के बीच जाया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और जल्द ही लोकसभा चुनाव होने हैं। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है और आज की जो बैठक है वो इसलिए भी है मानी जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें मौजूद रहेंगे और सभी बिंदुओं पर जो है चर्चा की जाएगी कि आखिर जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर पहुंचा जाए ताकि बीजेपी की झोली में ही 500 सीटें लोकसभा की उत्तराखंड की मिले। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। महाराजगंज से बड़ी खबर, जहां पर चलती ट्रेन में चढ़ना युवक को पड़ा